स्ट्रेंथ और पावर, ये दो ऐसी टर्म्स हैं जो अक्सर जो है मिक्स हो जाती हैं, या तो फिर ये एक ही जो है डेफिनेशन बताते हैं कि ये एक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो जो टर्म्स हैं इनमें मेन डिफरेंस ये है कि स्ट्रेंथ जो होता है वो एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस होता है, जबकि पावर तब आता है जब एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जब टाइम का फैक्टर आ जाता है तो वो पावर कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेंथ जो है वो पावर के अंडर आ सकती है, लेकिन पावर जो है वो स्ट्रेंथ में नहीं आ सकता। उसी तरह दो और टर्म्स होती हैं जिसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ आ जाता है और मस्कुलर एंड्योरेंस आ जाती है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि मस्कुलर स्ट्रेंथ जो होती है वो अमाउंट ऑफ फोर्स यू कैन पुट आउट और द अमाउंट ऑफ वेट यू कैन लिफ्ट, ठीक है, और जबकि एंड्योरेंस क्या होता है कि हाउ मेनी टाइम्स यू कैन मूव दैट वेट विदाउट गेटिंग एग्जॉस्टेड, ठीक है, यानी कि फटीक या टायर्ड होने से पहले कितनी दफ़ा आप वो वेट जो है वो उठा पाते हैं, यानी कि रेपिटेशंस। तो जो रेपिटेशंस का फैक्टर आ जाता है वो एंड्योरेंस कहलाता है, और अमाउंट का जो फैक्टर आ जाता है वो स्ट्रेंथ में आ जाता है। उसी तरह जो है एंड्योरेंस एक्सरसाइज जो हम करवाते हैं या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, सेम टर्म्स यहाँ पे भी फॉलो होता है। जो एंड्योरेंस एक्सरसाइज होती है इज क्लासिकली परफॉर्म्ड अगेंस्ट अ रिलेटिवली लो लोड ओवर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि फोर्स जो है या लोड है या रेजिस्टेंस है वो कम है लेकिन टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि रेपिटेशंस जो हैं वो ज़्यादा हैं। उसी तरह जब स्ट्रेंथ की बात आती है तो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज इज़ परफॉर्म्ड अगेंस्ट अ रिलेटिवली हाई लोड फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि इन दोनों के जो वेरिएबल्स हैं वो अपोजिट हैं। स्ट्रेंथ में जो है लोड हाई है यानी कि रेजिस्टेंस हाई है, और टाइम जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन है, और एंड्योरेंस में लोड जो है वो कम है यानी कि रेजिस्टेंस कम है और ड्यूरेशन जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। ये जो है वो मेन डिफरेंस होता है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और एंड्योरेंस एक्सरसाइज में। अब इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज का हम देख लेते हैं, उसमें क्या होता है जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि वेट जो है वो हैवी होता है यानी कि रेजिस्टेंस हैवी होता है लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लिफ्ट करते हैं, तो वो जो वेट लिफ्टिंग उनको हेल्प करती है, यानी कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज फॉर वेट लिफ्टर्स जो हैं वो इफेक्टिव होंगी ज़्यादा। और उसी तरह जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग है वो क्या होते हैं कि रेपिटेशन ज़्यादा होती है प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, लेकिन जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है, जिसमें क्या हो जाता है जैसे रनर्स होते हैं उनको प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रनिंग करनी होती है, तो उसमें जो है एंड्योरेंस ट्रेनिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है।